हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेटिफाई। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो आपके अगर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आपको यूट्यूब पे एक फीचर मिलता है कस्टम यूआरएल का। तो आप लोग जैसा भी जानते हैं, हर चैनल का अपना एक यूआरएल होता है जिसमें www.youtube.com तक तो ठीक रहता है, पर उसके बाद बहुत ही ऊटपटांग सा कोई भी लेटर नंबर रहता है, तो उसको देख के लगता नहीं है कि वो किसी के, मतलब समझ नहीं आता है किसके चैनल का यूआरएल है। तो इसलिए 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपको एक कस्टम यूआरएल मिलता है जिसमें आप अपने यूआरएल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें अजीब लेटर्स के जगह पे अपने चैनल का नाम या फिर आप जो मन आपका जो मन पसंद हो वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम खोल लें। उसके बाद यहाँ पे सर्च करें youtube.com। ये यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और याद रखें कि यहाँ से ये थ्री डॉट पे क्लिक करके आप ये डेस्कटॉप साइट जरूर कर लें। तो डेस्कटॉप साइट में आ गया, फिर इसको इस टाइप से जूम करना है यहाँ पे। यहाँ पे चैनल का लोगो आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल का लोगो आ गया है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको योर चैनल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा, फिर इसमें कस्टमाइज चैनल पे जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पेज लोड हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे हमें पहले से ही कस्टमाइजेशन में ला के रखा गया है ये वाले पे। अगर आपका नहीं है तो आप इस पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उसके यहाँ पे कस्टमाइजेशन आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। ये बेसिक इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आएगा चैनल यूआरएल, यहाँ पे आ रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे कस्टम यूआरएल का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें मैंने अपना सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे c.cricketify, इसके आगे भी आप जो चैनल लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यूट्यूब एक सजेशन देगा इस टाइप के यूआरएल का, तो मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने ये सेट करके रखा है। बाकी आप इसके आगे भी कोई लेटर या नंबर जोड़ सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही है कस्टम यूआरएल। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।